की बच्ची की बहुत ही प्यारी सी शर्ट बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई 19 इंच है और इसकी लंबाई है 19 इंच। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखी है। व्यूअर्स, इसके शोल्डर के निशान लगाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर इसका 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे हाफ इंच छोड़कर। ये हाफ इंच हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा, यहाँ से हमने 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हमने गोलाई करनी, चेस्ट हमने रखनी है इसकी 7 इंच, 1 इंच हमने सिलाई के लिए इसका मार्जिन रखना है, हाफ इंच, 1 इंच जो है हमने इसका सिलाई का मार्जिन रखा है। यहाँ से हमने इसको इस तरह से निशान लगाना है। अब हम इस पर कटिंग करेंगे। शर्ट के अब मेरे फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। लेंथ हमने लिए 10 इंच, इसकी चौड़ाई हमने फोल्ड करके रखे हैं बाजू। हमने ये देखे इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है, 6 इंच है इसकी चौड़ाई। अब यहाँ से हमने इसको गोलाई करना है। यहाँ से हमने इसका निशान ये 3 इंच पे रखा है, 3 इंच तक हमने यहाँ से गोलाई इसकी लगाई है। अब हमने इस पर कटिंग करना है। हमने 4.5 इंच, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 4 इंच हमें सिलाई चाहिए यहाँ तक, और ये हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। इसको इस तरह से हमने तिरछा निशान लगा लिया। ये बाजू हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमने यहाँ पर अम्ब्रेला में फ्रिल बनानी है। व्यूअर्स, ये देखें हमने ये पीस कटिंग किया है। ये इसकी 10 इंच यहाँ से है साइज़, और यहाँ से भी इसके साइज जो है 10.5 इंच है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा मैं इसे फोल्ड करूँगी। ये देखें यहाँ से हमने इसका निशान लगाना है। ये हमने बाजू कटिंग की है। इसके साथ हमारा जो ये यहाँ का साइज़ है वो 4 इंच है। यह हाफ इंच हमारा सिलाई का मार्जिन था, 4 इंच हमें तैयार चाहिए। तो ये जो मैं अम्ब्रेला फ्रिल काटूंगी, इसके लिए मैंने यहाँ से इतना साइज़ रखना है कि हमारा इसके बराबर ये आ जाए। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच हमने यहाँ से साइज़ रखा है। ये देखें देखें यहाँ से, ये देखें ये यहाँ तक हमारा ये सिलाई में जाएगा, और ये यहाँ से अटैच करेंगे हम। अब हमने इस तरह की 3 लेयर काटनी है। ये देखिए मैंने ये कटिंग की हुई है। ये देखिए 3 लेयर्स मैंने कटिंग कर ली हैं। ये 3 लेयर हमने कटिंग कर ली हैं। अब हमने यहाँ से ये जो बाजू हमने कटिंग किया था, एक लेयर हमारी यहाँ पर अटैच होगी, और 2 इंच के निशान पर हम यहाँ पर ये 2 इंच के
यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे और यहीं से हमने 2 इंच का एक निशान और लगाना है। इस तरह से हम सीधा इस तरह से ये हमारी आएंगी, ये यहाँ पर अटैच होगा और ये हमारी दूसरी फ्रिल आ जाएगी, ये यहाँ अटैच होगा और ये तीसरी फ्रिल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से ये 3 लेयर्स हमारी फ्रिल आएंगी। चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बस ये हमने हमारी शर्ट का जो है फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर हमने गले की सिंपल गले की कटिंग करनी है। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। लंबाई भी हम 2 इंच ही रख रहे हैं। इस तरह से ये मैंने निशान लगाकर यहाँ से गोलाई करेंगे। अब हमने ये फ्यूजिंग लिए, चौड़ाई 3 इंच है फोल्ड करके और लंबाई इसकी 1.5 इंच से भी कम है, 2 सूत्र ये जो है हमारा निशान आ रहा है और इसकी लेंथ जो हमने रखनी है वो 2.25 इंच। और ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से गुलाई करते हुए इस निशान के साथ हम इस तरह से, और इसके साथ हमने 1-1 इंच पर बाहर की साइड पर कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर व्यूअर्स ये देखें हमने ये तैयार करके फ्रंट पार्ट पर रखकर, ये देखें फ्रंट के हिस्से पर हमने सीधी तरफ रखने के बाद यहाँ से हमने 1/2 इंच कपड़ा रखकर कटिंग करेंगे और कट लगाएंगे। तरह से हमारा गला आ जाएगा। अब हमने इसको बैग के साथ हमने इसे अटैच करना है। व्यूअर्स नेक के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी हमने कटिंग करनी है। व्यूअर्स ये बैग के गले के लिए हम यहाँ से हल्का सा गोलाई करेंगे और ये जो हमने तिरछी पट्टी कटिंग की है इसे हमने यहाँ से इसको चेक करना है। ये देखें ये हमने आगे से इसको बांधने के लिए छोड़ना है। व्यूअर्स ये देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया, इस हिस्से को छोड़कर अभी हम इस तरह से रखकर इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा इतना हिस्सा, ये बारीक सा ये जो है ये हमारे यहाँ नज़र आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, अब मैंने यहाँ से इसे फोल्ड करना है इस हिस्से से। व्यूअर्स ये देखिए मैंने यहाँ से दोनों यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके दोनों पट्टियाँ मैंने बना ली। ये देखिए मैंने ये कटिंग करके इस तरह से ये रखा है और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। व्यूअर्स ये बाजू को मैंने यहाँ से सिलाई कर ली है, इसे भी मैंने तीनों हिस्सों को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया और तीनों फ्रिल को भी मैंने यहाँ किनारों से मोड़ लिया। आप चाहे तो पिको करा सकते हैं।
अब हम बस ये बाजू है इस पर मैंने एक फ्रिल को इस तरह से उलट कर रख दिया, ये इसकी उल्टी साइड है। अब हमने जो सेंटर का हिस्सा है इसे भी हमने इस तरह से जोड़ लिया था, इसे भी हमने इस तरह से उलट कर ये यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से जो जॉइंट है इसके ऊपर ये उलट कर इसके ऊपर हम ले जाएंगे इस तरह से। जो बाजू था हमारा वो हमारा सीधा है और ये फ्रिल भी हमने उलट कर रखी है, ये भी मैंने उलट कर रख दी इसके ऊपर इस तरह से। ये देखें यहाँ से हमने सिलाई पूरी लगानी यहाँ तक। अब हमने ये जो सेंटर में जो हमने पीस लगाए हैं दूसरी फ्रिल को हमने इसके ऊपर रखना है, इसे मैं इस तरह से उलट के रखूँगी और ये तीसरा हिस्सा जो ये हमारा है इसे भी मैं इस तरह से उलट कर इस पर हमारा जोड़ है यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई करना। हमने पहली फ्रिल की सिलाई कंप्लीट की है, इसको भी इसी तरह लगाएंगे। व्यूअर्स ये देखें मैंने पहले लेयर्स आपको बताइए, दूसरी भी और तीसरी भी मैंने इसी तरह से ये ज्वाइंट कर दिए, ये थ्री लेयर्स जो हैं वो हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम शर्ट के जो हिस्सा है उसमें आपको व्यूअर्स ये हमने 5 इंच पर यहाँ हमने निशान लगाना है, इसी तरह हम ये पूरे निशान को सीधा इस तरह से लगाएंगे। दोनों मैंने बारीक बारीक सी डोरी बना कर रखी है, ये पौने 2.5 इंच चौड़ी जो है ये मैंने पट्टी कटिंग की है, इसे मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई करूँगी और बीच में डोरी रखकर इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई करूँगी, बीच में ये मेरी डोरी होगी। 1 इंच के फासले पर ये कट के निशान लगाएं और इसे इतना सा हम कट लगाएंगे। इसे फोल्ड करके इस पट्टी को भी हमने फोल्ड करके यहाँ से व्यूअर्स ये देखिए मैंने दोनों साइड पर ये फ्रंट पर और बैक पर एक बिल्कुल इसी तरीके से पट्टी लगाकर बीच में ये डोरी डाली है। अब हम यहाँ से ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बाजू को जॉइंट करेंगे। नीचे से हम बारीक सा इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। व्यूअर्स ये देखें हमने दोनों बाजू भी अटैच कर लिए, साइड की सिलाई लगाकर हमने ये साइड नीचे से मोड़ लिया और शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखें ये जो हमने डोरी डाली थी इस तरह से ये चीज़ हो जाएगी। ये बाजू देखें हमारी 3 लेयर्स की फ्रिल जो है वो अम्ब्रेला फ्रिल जो है वो हमने लगा ली है, बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट हमारी तैयार होगी। व्यूअर्स वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।